एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू, कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं सेशन। लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो या आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम इसको समझेंगे किस प्रकार से समझेंगे। टाइप फर्स्ट, इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक होगा टाइप फर्स्ट, ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होंगे, और दूसरे टाइप ऐसे होंगे जो प्रश्न सूचक शब्द आएंगे वो वाक्य के बीच में आएंगे। तो हम फर्स्ट टाइप क्या हुआ हमारा, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, किससे स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या शब्द से। अगर वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, तो वहां पर हम क्या कि अंग्रेजी ना लगाकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर राइट करते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं हैज या हैव, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन, प्लस वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस क्या यूज करेंगे हम, सिंस या फॉर, किसके लिए, टाइम के लिए, और प्लस अदर वर्ड्स या टाइम, हम यहाँ पर टाइम राइट करते हैं, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। कब, जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, क्या शब्द से। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा, क्या से, और सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह क्या है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज। तो हम लिखेंगे हैज, उसके बाद ही, उसके बाद हमें लिखना है बीन, ठीक। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या, खेलना, तो खेलना की क्या होती, प्ले, और प्ले में क्या ऐड कर देंगे, आई एन जी। प्लेइंग क्या कर रहा है, क्रिकेट, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे क्या वे इस गांव में काफी समय से रह रहे हैं, रह रहे हैं। तो हमने देखा क्या लिखा है, क्या, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो वे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हैव। वे क्या होता है, बहुवचन का कर्ता होता है, तो हम लिखेंगे हैव दे बी। अब रहना की क्या होती है, लिविंग या स्टेइंग लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिविंग, ठीक। कहाँ रह रहा है, इस गांव में, इन दिस विलेज। कब से रह रहा है, काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इतना आपने समझा, जब वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होगा तो हमारा सेंटेंस किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से, ओके। इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट समझेंगे हम सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द आएंगे वो बाकी के बीच में आएंगे। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है WH फैमिली, मतलब भाई, वेयर, वैन, हु, हाउ, हुज, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न वाक्य के बीच में, प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। ठीक है, तो क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द कब आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। स्ट्रक्चर राइट करते हैं, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले राइट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस बी, प्लस बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ing, ओके। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा वह सुबह से अपना पाठ याद कहाँ कर रहा है। क्या लिखा मैंने, वह सुबह से अपना पाठ याद कहाँ कर रहा है। कहाँ की क्या होती है, नहीं वह कहाँ बैठा हुआ किसी को नहीं पता है, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर। तो हम लिखेंगे वेयर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज ही। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, याद करना की क्या होती है, लर्न, और लर्न में क्या ऐड कर देंगे, ing, क्या कर रहा है, अपना पाठ, हिज लेसन, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ओके। क्या लिखेंगे हम, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे तुम्हें दो घंटे से कौन पढ़ा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखा हुआ है कौन, और कौन क्या होता है, अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट होता है, वो भी कैसा होता है, सिंगुलर। तो हम लिखेंगे हु, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैज बीन, पढ़ाना की क्या होती है, टीच, और टीच में क्या लिखेंगे हम, ing, टीचिंग किसे, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो हम लिखेंगे यू, और कब से, दो घंटे से यानी कि 2 o'clock, कब से, 2 o'clock यानी कि सिंस, निश्चित समय है, टाइम दे दिया गया है, तो हम लिखेंगे सिंस। तो क्या सेंटेंस बन गया, हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, ओके। आई होप आपने इतना समझ लिया, अगर क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में आए तो उनको सबसे पहले राइट कर दें, बाकी वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो हमने फर्स्ट टाइप में किया था। इतना नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें जो प्रश्नवाचक भी होंगे और नकारात्मक भी होंगे, तब हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। और नॉट कहाँ करते हैं, मैं हमेशा बताया, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट आफ्टर सब्जेक्ट यूज करते हैं। कब करेंगे हम, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मैंने एक ही स्ट्रक्चर में आपको बता दिया, जैसे कि हमने पहले लिखा था क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स या प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ओके। तो अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दीजिए, अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले राइट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने में आपको आसानी हो जाएगी, समझते हैं। लिखा जैसे, क्या तुम सुबह से समाचार
नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। कैसे, तुम क्या है, एक बहुवचन का कर्ता है, तो हम लिखेंगे हैव, यू, उसके बाद हमें लिखना है नॉट। ठीक, उसके बाद राइट करेंगे वी। ठीक, फिर हमें लिखना है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। रीड में क्या लिखेंगे, आई एन जी, रीडिंग द न्यूज पेपर, समाचार पत्र। ठीक, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते, जैसे कि वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तब क्या बनाएंगे। आपने देखा क्वेश्चन वर्ड आया, वो बीच में आया सेंटेंस के, वो क्या है, क्यों, क्योंकि क्या होती है, भाई, तो लिखेंगे भाई। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो हम लिखेंगे हैव, दे। ठीक, नहीं भी दिया गया है तो लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी। खेलना की क्या होती, प्ले, और प्ले में क्या लिख देंगे, आई एन जी। प्लेइंग क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, कब से नहीं खेल रहा है, कल से, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, और समझना चाहते तो और समझ लेते, जैसे एक और लिखा मैंने, क्या वे, ऐसे लिख लो, क्या तुम्हारा भाई इस स्कूल में 2004 से नहीं पढ़ रहा है। ठीक, नहीं पढ़ने का मतलब अध्ययन नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा भाई है, तो क्या लिखेंगे, हैज योर ब्रदर, भाई सिंगल है ना, एक ही है। ठीक, नहीं की क्या होती है, नॉट, फिर लिखेंगे बीन। अध्ययन करना की या पढ़ना की क्या हो जाएगी, स्टडिंग। ठीक है, किस में नहीं कर रहा, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ठीक, कब से, सिंस, टाइम निश्चित है, तो सिंस लिखेंगे 2004, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, हैज योर ब्रदर नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। ओके, आई होप आपने इन सभी सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज ये जो सेंटेंस है वो फिनिश हो गया है, हमने सभी सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रूल को लर्न करें, सबसे पहली अच्छी बात है कि आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लें, जिससे आप सेंटेंस बनाने में आपको बहुत अच्छे से सुविधा हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चार काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।